काम पे लगा रहे थे, इस पर सरकार की पाबंदी है। फैक्ट्री दिल्ली रोड पे है, शहर का आदमी वहाँ जा रहा है। कभी कभी होता है, इसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इसके ऊपर, पीतल के ऊपर। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं पीतल नगरी मुरादाबाद में हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जल्द आ रहा है, लेकिन मुरादाबाद की सीट में दांव पेच फंसा हुआ है। मुरादाबाद की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, यानी कि समाजवादी पार्टी से ही इसमें कोई प्रत्याशी होगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी नहीं तय किया है, भारतीय जनता पार्टी में भी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, उसमें भी दांव पेच लगा हुआ है। कौन आता है प्रत्याशी, जनता का क्या रुख है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, पीतल नगरी में जो इंडस्ट्रीज को लेकर क्या काम हुए हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। मैं इनसे कह रहा हूँ बुढ़ापे में अच्छा आकर जेल में भी डाल देंगे, रोटी तो मिलेगी कम से कम। कौन जेल में डाल रहा है? अरे यही है, और सरकार सरकारी है, और कौन है? यहाँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। नहीं भाई, सांसद है, उनसे हो क्या रिया, तो बिल्ली का कुआं है बिल्कुल, उनका कुछ मतलब नहीं है। सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार, भाजपा की चलेगी। अच्छा, ये एरिया जो है ये मुरादाबाद में, यहाँ पर पीतल का काम ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चर पीतल का जाते हैं। आप भी करते हैं पीतल? हाँ जी, पीतल के होते मजदूर हैं। क्या करते हैं? पॉलिश, पॉलिश करते हैं, जो कर रहे हैं जैसे। अच्छा, तो काम धंधा चल रहा है? काम मद्दा है बहुत, मतलब मद्दा कैसे, मतलब बिक रहा है, कम बिक रहा है या बिक नहीं रही है? काम के विदेशी जो वो होता है ना काम, इसका बहुत जबरदस्त मद्दा है। अच्छा, जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, खरीद नहीं रहा, काम महंगाई भी, इसमें महंगाई भी बहुत, हो सकता है महंगाई की वजह से, महंगाई हर चीज में। अभी 40 रुपये मटर बिक रही थी, आज 70 रुपये 80 रुपये, 3 दिन के अंदर ही बोले मंडी बनती तो यूँ महंगी है, ये देखिए हो गए डबल पैसे नहीं है यहाँ तक, खा तो तुम भी खाओगे, ऐसी बात थोड़ी। अच्छा, ये फैक्ट्री की वजह से जो काम धंधा होता है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं मिल तो जा रहा है ना काम मिल गया नहीं मिल रहा है जब काम ही, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, सारी बात है, काम ही नहीं है। आप भी करते हैं पीतल का ही काम? नहीं, मेरा काम नहीं, मेरा तो काम और है, पर मैं पीतल लाइन से। दादा, इस उम्र में आप काम करते हैं? और क्या, बच्चे कहाँ से पालूंगा, बच्चों को भी तो काम करना चाहिए। बच्चे इतने से अभी ज़्यादा उम्र थोड़ी है, 15-16 साल के बच्चे को काम पे लगा रहे थे, अभी इस पर सरकार की पाबंदी है कि नाबालिग बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे खाने, गरीब आदमी के पास इतना वो है नहीं जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा ले। यहाँ से तो सपा सांसद ने कुछ काम वाम किया है? खैर, हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई काम हो या नहीं का यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ काम का मतलब है, क्योंकि सरकार काम ये देखो कि तुम्हारे सामने रोड कैसे हो रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, जगह 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 तोड़फोड़ है, खुदाई है। अब ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी बनी, कब बनी कब नहीं, लोग खुद परेशानी अब है, अब से 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में सहूलियत मिलेगी, आदमी जिए हमारे। स्मार्ट सिटी में स्मार्टनेस नहीं, स्मार्ट में खटमल सिटी हो रही है इस वक्त तो। ये स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है स्मार्ट सिटी? हाँ जी, हो रहा है, काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का। कहाँ चल रहा है? सिविल लाइन वगैरह, बुद्ध बाजार वगैरह में सब जगह चल रहा है, दो जगह चल गया, जाके देख लो सब ऐसे हो रहा है, गड्ढे बूंग रहे, जाने क्या क्या, भारी भारी चल रहा है सब, बुद्ध बाजार हुआ, सिविल लाइन। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। नहीं, मतलब ये पीतल वगैरह का भी काम करता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, जॉब वगैरह पीतल का वगैरह चल रहा है? हाँ चल रहा है। खुश हुआ? हाँ जी, जिंदगी में तो खुशी रहते हैं, ना खुश होने वाली तो कोई बात ही नहीं। महंगाई वगैरह नहीं है आपको? नहीं, महंगाई तो भाई सबके लिए है, अब ये थोड़ी ना हमारे लिए, तो सबके लिए महंगाई है। कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, उसका वो कमा रहा है तो उसके खर्चे में असर पड़ता है ना। देखिए, ये तो ऐसा है ना, आप ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप 10,000 खर्च कर दो या 1,00,000 रुपये खर्च कर दो, नगन्नो आप 1,000 रुपये ही नगर कमा रहे, उसमें खुश हैं? हाँ जी भाई, जिस हिसाब से कमाए तो उस हिसाब से आदमी ज़िंदगी गुजारता है अपनी, और क्या है, मतलब काम मिल रहा है लोगों को? हाँ, काम मिल रहा है भी ना भी, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि शहर में फैक्ट्रियाँ नहीं है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, आपके यहाँ मुरादाबाद में तो काम है, बहुत सी फैक्ट्री दिल्ली रोड पे है,
शहर का आदमी वहाँ जा रही है आप, सुबह कोई आएगा 7 बजे। मतलब ये मुरादाबाद छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता, जैसे आप बाहर कहीं जाओ मुंबई वगैरह? बहुत से लोग गए हुए नेपाल गए हुए ऐसा है ना भाई, बहुत सारे सऊदी भी है, अमेरिका में भी है। अब जिसका जैसा हिसाब, अपना जहाँ अपना पढ़ा लिखा आदमी था, विदेश में भी है। पढ़ा लिखा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो रोजमर्रा में मजदूर तबके की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो जैसे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ अयोध्या ये सब की, बस्ती गोंडा ये सब, यहाँ करके लोग जो मजदूर हैं वो भाग करके मुरादाबाद, दिल्ली, गुजरात, ये सब ऐसा भी जाते हैं, मुरादाबाद से भी जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, पुणे वगैरह सभी जगह जाते हैं। सभी जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लोकल लोगों को काम मिल जाता है। हाँ ये है बस, वो भी अपना थोड़ा, क्योंकि यहाँ का मुरादाबाद का ज़्यादा पीतल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर पीतल का कारोबार है, बहुत पुराना कारोबार है मुरादाबाद का, इस पर क्या सरकार ध्यान दे रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए? नहीं देखिए, कभी कभी होता है इसका, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इसके ऊपर, पीतल के ऊपर कभी इतफाक से कोई योजना निकल जाती है। पुरानी चीज़ें हैं, सभ्यता है कि पीतल की चीज़ें हैं, खूबसूरती के लिए होती हैं, और ज्वेलरी बनती है पीतल के सामान मिलते, बर्तन बनते हैं, लोग अपने घरों में रखते, तो वो पहले का टाइम और आज के टाइम में क्या फर्क? बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। 90% मतलब ये काम ऐसा नहीं है, 10% रह गया वो। अब पीतल कभी कभी लोग खरीद रहे हैं पूजा पाठ में या कहीं कोई काम हो, महंगाई की उसमें है ना सब। पहले तो लोग बर्तन यूज भाई, जैसे जैसे महंगा हो रहा है उसी हिसाब से आदमी उसी हिसाब से खरीदता है। पहले मान लीजिए 1000 रुपये खरीद रहे थे, अब 100-200 रुपये खरीद रहा है। तो भी होगा, पहले पूजा के लिए 500 रुपये का सब लगा यहाँ पर बनता है। कुछ बात कर लो जा करके वर्कर से, आ जाइए आ जाइए आ जाओ। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पीतल का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये मुरादाबाद है और ये देखिए वर्कर्स यहाँ पर पीतल बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे ये लोग काम करते हैं। क्या ये पूजा का आइटम है? तो पूरे दिन काम करते हो? जी, सुबह से शाम तक। जी, कितना तैयार हो जाता है? 500 रुपये का काम हो जाता है। 500 का, मतलब दिन भर में आप 500 का काम करते हो? जी। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें आप बना रहे हो, और ये मुझे ऐसा लगता है ये मूर्ति वगैरह है। जी। नाम क्या है सर? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मतलब मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा मूर्ति का काम करता है। जी। अच्छा, दिन भर में ये कितना तैयार हो जाता हो जाते हैं? 600। 600। अभी आप थोड़ा सा दिखा दो, देखो ये मशीन है, और मतलब ये केमिकल वगैरह बॉडी में जाता है, नुकसान नहीं करता हो? जी करता होगा, हमें तो कोई वो है नहीं इतना। रोटी चाहिए, पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा। जी, बाहर भी नहीं जा सकते शहर छोड़ के, बच्चे पालने वाले। ये देखिए दिखाइए मुझे किस तरीके से यहाँ पर पीतल का ये इसको क्या बोलते हैं, ये इस मशीन का क्या नाम? देखिए देखिए आप किस तरीके से इसको, इसे ये पॉलिश हो रही है। जी। ये बन के कहीं और से आया? जी। मुझे लगता है ऐसे दीपक जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए ये यूज होता है, और इसकी यहाँ पर सफाई हो रही है, पॉलिश करने का काम करते हैं, इसके बाद ये पैक होगा और जाएगा। और भी प्रोसेस है अंदर हो रहा है, और भी है अंदर, और भी हम दिखाते हैं आपको। आओ, ये गली बहुत पतली पतली गली मिलेगी, और ऐसे गली में अंदर अंदर तक जाएंगे, पूरी फैक्ट्रियाँ हैं इसमें, हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं कैसे होता है। देखिए ये छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम होता है, तो बड़े बड़े आभूषण बनते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं, तो मार्केट में जाते हैं, सस्ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर भी काम हो रहा है। ये क्या है सर? ये आरती है। आरती है, आरती पूजा का आइटम है। तो ये आप साफ कर रहे हो? हाँ, इसमें पीतल पॉलिश करते हैं हम। अच्छा, इसमें चमक आती है? इससे चमक आती है जी। कितने घंटे काम कर लेते हो आप? 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे? जी। तो ये जो इसका पाउडर है ये नाक में जाता, नुकसान नहीं करता? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन रोजी रोटी है। रोजी रोटी करने ही पड़ेगा। कमा लेते हो दिन भर? 500-600 रुपये कमा लेते हैं। 500-600 जी का खर्चा चल रहा है? जी जी जी, मजदूर आदमी आपके सामने है, तो होली में कैसे हम जी। और भी काम देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ इस पे पीतल का। साजिद नाम है। देखिए किस तरीके से एक जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, वो ये पीतल नगरी में दिखाई देता है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी
धार्मिक जितने भी पूजा पाठ के बर्तन होते हैं जिसको हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूजा पाठ के लिए, वो सारे मुस्लिम बनाने का काम करते हैं। इस पूरे पीतल नगरी में आप देख रहे होंगे कि कैसे एक छोटे कमरे में पूरा काम होता है, बर्तन बनाने का काम होता है, उसके बाद उसको खूबसूरती से उसको निखारना, ये सारी चीज़, फिर उसके बाद बड़े बड़े दुकानों में ये चीज़ें सजती हैं। आप देख रहे होंगे छोटा सा कमरा है, और इस कमरे में ये देखिए प्लेट, देखिए ये पीतल की प्लेट है, और जो पीतल नगरी के साथ के लिए मशहूर है ये माना जाता है। सरकार इस पर कुछ ध्यान वगैरह देती है? कुछ नहीं जी। आप परेशान हो? यही फॉर्म वाले चिल्ली देते हैं जो लग जाती है। इसको अच्छे से आप कर देते अगर आपको ऊपर सरकार ध्यान देती, आपको कुछ पैसे वगैरह देती, आप उसके लिए काम करते तो इसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आप परेशान हैं। सिल्ली बोलते हैं, ये रॉ मटेरियल है, इसी से ही ये पूरा सिल्ली आता है, ये पूरी पीतल का रॉ मटेरियल है। इससे जो है ये विभिन्न डिजाइन के, कई सारे डिजाइनों के जो बर्तन हैं इससे सांचे से काट कर निकाले जाते हैं। इसको गलाया भी जाता होगा पहले, गलने के बाद में इसके बाद जैसा बर्तन तैयार करना उसका सांचे से क्या होते हैं, दर्जे बोलते हैं, दर्जे से उसको बनाते हैं, फिर वो छोटा बड़ा जैसे डिजाइन करना उस डिजाइन बन जाती है। उसके बाद देख लीजिए आप, लास्ट है ये, समझो कि चमक उसमें बनाई जा रही है, इससे चमक होती है, मशीन चल रहा है लगातार, छोटे छोटे कमरे में आप देख रहे हैं किस तरीके से बफिंग हो रहा है, जिस तरीके से छोटा छोटा देखिए अभी बोरी में भर कर रखा हुआ, आप इसमें दिखाइए काम हो रहा है, और ये सब बोरी में भर के जाता है, फिर इसमें पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद में ये देखिए आरती की चीज़ें हैं, ये देखिए, ये इससे आरती होती है, और ऐसे पकड़ के आरती की जाती है, तो ये लास्ट है समझो, ये इसके बाद पैक हो जाएगी, पॉलिश होगा, ये पैक हो जाएगी, पैक होके मार्केट में चली जाएगी बेचने। तो आप लोग डायरेक्ट होलसेलर को बेचते हैं ना? ये फर्म है छोटी छोटी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और भी हम लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं आप देख लीजिए, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी कोई आता होगा, जहाँ से इतना बड़ा उत्पादन होता है, आप देख रहे हैं गंदगी को देखिए है।